डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास सेकंड, और आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं ए टू लेके जेड तक अल्फाबेट किस तरह से याद करें, क्योंकि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल रीजनिंग में ये सभी ए टू जेड तक अल्फाबेट याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें याद नहीं है तो क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा हमारा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान वे में सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। जैसे हम बात करें के कितने नंबर पे है, जे कितने नंबर पे है, एम कितने पे और वाई कितने पे, तो इस तरह से आप चुटकियों में सेकेंडों में पता कर लेंगे कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास में पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में 2012 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन हमारे यूजीसी नेट में आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अल्फाबेट्स की, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, आपको सारे अल्फाबेट बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि ए बी सी डी के अंदर जो स्टार्टिंग के तीन चार अक्षर है ए बी सी डी, और पहले पांच अक्षर हम बिल्कुल आसानी से याद कर लें। देखिए ए बी सी डी में पहले पांच और लास्ट के तीन बिल्कुल आसानी से हमें याद होते हैं कौन सा कितने पे। जैसे अगर हमें कोई पूछ ले कि सी कितने नंबर पे है तो हम बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि सी तीन नंबर पे है। कोई हमें बी पूछ ले बी दो नंबर पे है, ई पूछ ले ई पांच नंबर पे है, डी कितने पे है चार पे। इसी तरह से अगर हमें जेड पूछ ले जेड कितने नंबर पे है तो 26 पे, इसको याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है हमें, मतलब कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से एक्स पूछ ले तो एक्स 24 पे है, वाई कितने पे है 25 पे है, तो इनको तो हम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग के पांच अक्षर और लास्ट के थ्री अक्षर, इन अल्फाबेट को बिल्कुल आसानी से हम याद रख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं एफ की, बात करते हैं। अब देखिए अब नंबर छः पर एफ और 16 पर पी, ये दो चीज़ें लेके चलते हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। देखिए हम एफ और पी दोनों को उल्टा करके देखते हैं, इन दोनों को हम उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए F है, F को हम उल्टा किए इस तरह से और P को उल्टा किया इस तरह से, तो इन दोनों की जो शेप है वो किससे मिलती है दोस्तों, छः से मिलती जुलती। ये देखो छः बन गया हमारा, इन दोनों को उल्टा किया और छः से हमारे क्या क्या नंबर बनते हैं हमारे, देखिए छः से हमारे 6, 16 और 26, ये तीन डिजिट हमारी बनती है। अब देखिए 26 पे तो हमें पता है कि जेड होता है तो इसलिए ये तो कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगी 6 और 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है वो 6 नंबर पे आएगा और P जो है वो 16 नंबर पे आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं, तो देखा कितने आसानी से हमने इसको याद कर लिया। तो इस तरह से आगे हम दो दो चीज़ें लेके चलेंगे और दो दो अल्फाबेट लेके चलेंगे, इससे आप बिल्कुल आसानी से पूरे अल्फाबेट याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे है हमारा G और Q। देखिए अब 7 नंबर पर G आता है
और 17 नंबर पर क्यू आता है। इन दोनों को हम किस तरह से याद करेंगे? अब देखिए जी को हम इस तरह से लिखते हैं और क्यू को इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए जी के अंदर ये जो रेड सर्कल में दिया ये क्या है, 7 के जैसा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से क्यू को हम इस तरह से लिखते हैं और क्यू के अंदर ये हमें रेड सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये भी किसके जैसा है, 7 के जैसा है। अब 7 में 7 से हमारी क्या क्या तीन डिजिट क्या बनती है, हमारी तीन डिजिट बनती है 7, 17, 27, 7, 17, 27। अब देखिए 27 तो कुछ होता ही नहीं है ए टू जेड में, ठीक है, 26 तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, तो ये 27 हमारा कट हो जाएगा वैसे ही। अब बच गया हमारा 7 और 17, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जी है जी 7 नंबर पे आएगा और क्यू कितने नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप जी और क्यू दोनों को याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों एच की बात करते हैं। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको एच को याद करना बिल्कुल आसान है। एच में देखिए एच हम इस तरह से लिखते हैं, एच में ऊपर और नीचे, ये देखिए ऊपर मिला दो और नीचे मिला दो, क्या बन गया, 8 बन गया, तो 8 नंबर पे आता है हमारा एच। तो देखा आपने कितना आसान है यार, बहुत ही आसान है हमारे लिए याद करना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 9 नंबर पे आई, आई आता है हमारा। आई जब हम छोटी एबीसीडी में आई किस तरह से लिखते हैं, अब देखिए आई जो है कई बार हम इस तरह से लिखते हैं, आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आई बैक टू से दैट, इस तरह से हम लिखते हैं ना, तो आई कई बार हम स्टाइल में लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ये किसके जैसा है, ये 9 के जैसा है, ये देखिए ये भी 9 के जैसा है, तो आई कितने नंबर पर आ जाएगा, 9 नंबर पर हमारा आ जाएगा। और दोस्तों आपको ये याद कैसे होंगे, आप जब बार बार प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप 3 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी, तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी इसको भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 10 नंबर पे जे की बात करते हैं। जे 10 नंबर पे आता है, इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए जे का जो नीचे का भाग है उसे गोल करिए और देखिए फिर क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। जे है जे का ये जो वाला हिस्सा है इसको गोल कर लो नीचे को, ये देखो ये हमने गोल कर लिया, यहाँ गोल करने से अब देखिए ऊपर का जो हिस्सा है इसको ये 1 ले लिया हमने, नीचे का क्या ये इसको 0 ले ली, तो ये क्या बन गया, 1 और 0 की तरह बन गया, 10 बन गया। तो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, बिल्कुल आसान है ना। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों 11 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों हमारे हरियाणा में बच्चे मजाक मजाक में कई बार कहते हैं कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर के हुआ है ना। मैं आपको कहूं कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर के हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो कि वो पूछ भी रहा है और वो बता भी रहा है भाई ए बी सी डी का 11वां अक्षर क्या होता है, तो हमारे यहां बोलते के हुआ है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ए बी सी डी में 11वां अक्षर के होता है, ठीक है, के हो है, ए बी सी डी में 11वां अक्षर के हो है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 12 पे एल। अब देखिए एल कितने नंबर पर आता है, आइए इसको हम देखते हैं। एल का जो ऊपर का भाग है उसे बाईं तरफ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाइए। अब देखिए ये जो एल है, एल में इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लो। अब हमने इसको आगे बढ़ाया, अब देखिए आगे बढ़ाने पे किसकी शेप बन गई हमारी, 2 की शेप हमारी बन गई 2 की। अब 2 में देखिए 2 से हमारी क्या क्या डिजिट बनेगी, 2, 12 और 22, ये दो ये चीज़ें बनेगी। अब देखिए 2 नंबर पे हमें पता है बी आता है, तो 2 तो ये हमारा कट हो गया यहाँ पे, 22 नंबर पे वी आता है इसलिए हम बचा 12। अब देखिए 22 नंबर पे क्या आता है हमारा, वी आता है, ठीक है। वी को भी हम कैसे याद करेंगे वो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया, 12 रह गया, तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे हमारा एल, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको। अब देखिए आगे हमारा 13 नंबर पर एम और 23 नंबर पर डब्लू, एम और डब्लू इन दोनों को याद कैसे करेंगे। अब देखिए एम और डब्लू को थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दो और फिर देखो बिल्कुल आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए M जो है M को थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दो तो ये बन गया 3 बन गया, W जो है W को टेढ़ा कर दो ये 3 बन गया। M और W ये 3 के जैसी शेप है इनकी, अगर इनको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो, है ना। अब देखिए 3 पे हमारी क्या क्या डिजिट बनती है, 3, 13 और 23,
अरे 13 और 23 ये बनती है। अब देखिए 3 नंबर पे हमें पता है सी आता है ना। अब क्या रह गया हमारा, 13 नंबर और 23 रह गया। तो एम कितने पे आएगा, 13 नंबर पे, और डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 नंबर पे हमारा ये आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना दोस्तों, मजेदार चुटकियों में बस शब्द को देखते ही हमें चीजें याद हो रही है, अक्सर देखते ही। देखिए एन फॉर नेक्स्ट, तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट को, यानी कि एन को किस तरह से याद करें। देखिए एन के बारे में कुछ नहीं, बस देखते रहो। अब देखो एन को आप दो तरह से याद रख सकते हैं। देखिए एम के बाद एन आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ऐसे हम बोलते हैं ना, एम एन। एन किसके बाद आता है, एम के बाद आता है। एम कितने पे आता है, 13 नंबर पे, तो एन कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए ये जो एन है, एन को यहाँ से इसको स्प्लिट कर लीजिए, यहाँ से ये देखिए तोड़ लीजिए। अब ये देखिए ये क्या है, ये 7 बन गया और ये 7 बन गया, 2 7 हमारे पास बन गए, 2 7 हमारे पास बन गए। इन दोनों 7 को आप ऐड कीजिए, 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 नंबर हो गए। 14 तो फिर एन कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा, है ना। और वैसे भी एम के बाद एन आता है, एम कितने पे आता है, 13 नंबर पे, तो एन कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 15 नंबर पर। तो 15 नंबर पे ओ, एन अगर 14 पे आता है तो ओ किस नंबर पर आता है। अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल याद हम कर सकते हैं दोस्तों, 15 नंबर पे ओ आता है। जैसे हम क्या करते हैं, एम एन ओ, हमें याद है ये हमारी मतलब जुबान पे रटा हुआ है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, इस तरह से हम बोलते हैं, एम एन ओ एम एन ओ, ऐसे हम बोलते हैं ना। एम हमें पता है 13 पे, एन कितने पे, 14 पे, तो ओ कितने पे आएगा, सिंपल सी बात है 15 नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। और दोस्तों वैसे देखिए अल्फाबेटिकल रीजनिंग को याद करने का तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, जो आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, आप उसको अपना सकते हैं उस तरीके को। बट ये तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं और ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अच्छा अब बारी आती है आर की, यानी कि आर फॉर राजा की। दोस्तों इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से अगर आपको पता हो तो हमने एच और आर, एच की बात की थी, है ना। एच में क्या था हमारा, ऊपर से और नीचे से मिला लो तो क्या बन गया हमारा, 8 बन गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हमारा आर है, ठीक है। आर को ये देखिए, आर को ऊपर नीचे से मिला लो, अब ये देखिए ये मिला लिया हमने, तो किसकी शेप बन गई, 8 की शेप बन गई, 8 पे, 8 की बन गई। तो 8 पे क्या था हमारा, एच था, उसका तो हिसाब किताब हो गया। अब रह गया हमारा 18 नंबर, तो 18 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 28 नंबर हमारा कुछ होता ही नहीं है ABCD में, ठीक है। और इसी तरह से देखिए हमें पता है S जो है R के बाद आता है, RS है ना, ऐसे हम बोलते हैं RS। तो S जो है वो कितने नंबर पे आएगा, वो 19 नंबर पे हमारा S आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आसानी से इनको आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों T20 की बात करते हैं। अब देखिए 20 नंबर पे क्या आएगा हमारा, टी आएगा। इसको याद करना बहुत ही आसान है दोस्तों, 20-20 मैच होते हैं आजकल, T20 हम बोलते हैं ना, T20। अब देखो T20 बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, टी जो है वो 20 नंबर पे आएगा, है ना। तो फिर 20वें नंबर पे क्या होगा हमारा, टी होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 21 पे यू की बात करते हैं। अब देखिए यू को आप दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं, टी क्यू आर एस टी यू। अब हमें पता है ना टी यू, यू किसके बाद आता है, टी के बाद आता है, और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। 20 नंबर पे टी आता है तो यू कितने पे आएगा, 21 नंबर पे आएगा। और दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अब देखिए यू को कई बार इस तरह से हम लिखते हैं ना यू को, अब इसमें ये देखिए ये क्या है, 2 और ये क्या है, 1, तो इन दोनों को 2 और 1, ये कितना हो गया, 21, ये हमारा हो गया। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों 22, अब देखिए वी, 22 नंबर पे वी आता है। अब देखिए हमें गाड़ियों के पीछे क्या लिखा हुआ होता है, V2R2, है ना, V2R2, ऐसे देखते हैं ना, V2R2, तो ये क्या हो गया, 22, तो ये हो गया हमारा। वी कितने नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे हमारा ये आ जाए।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसे भी, है ना, मजेदार बता रहा हूँ ना आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमने सभी ये कर लिए, 22 तक कर लिए। अब रह गया हमारा 23, 24 और 25, 26। तो ये हमें पता है, ये देखो TQRST TUVWXYZ। अब देखिए, अब इन सभी को हम एक साथ देखते हैं। अब देखिए शायद एक अक्षर रह गया क्या हमारा, TQRST UVW W हमने कर लिया था स्टार्टिंग में, किया था ना स्टार्टिंग में हमने कर लिया W, तो V के बाद W आएगा। अब देखिए इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जल्दी से रिवीजन करते हैं। ये देखिए अल्फाबेटिकल रीजनिंग में पहले 5 अक्षर, देखिए ABCDE यहाँ तक 5 हो गई, ये हम इनको याद रख सकते हैं ये कितने नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा F और P कितने पे आता है, ये देखो F और P किसके जैसे हैं, 6 के जैसे हैं, 6 पे 6 और 16, ठीक है। अब हम G की बात करते हैं, G में और क्या था हमारा, G और Q था, ठीक है। जी में ये किसके जैसा है, 7 के जैसा है, और क्यू में ये 7 के जैसा है, 7 और 17 ये हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं एच की बात करते हैं, एच और आर की बात करते हैं, एच और आर इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये देखिए आर में नीचे मिला दो और एच में ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिला दो, ये 8 बन गया, और यहाँ पे भी 8 बन रहा है, तो 8 से एक 8 बनता है और एक 18 बनता है, तो एच 8 नंबर पे, आर 18 नंबर पे आ जाएगा। आई को हम कैसे याद करेंगे, आई के अंदर ये देखिए इस तरह से हम आई को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 9 की शेप बन गई। फिर जे के अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर का मिला दो और नीचे का ये जो 0 है 0 को मिला दो, 1 और 0 10 बन गया। फिर एल में आगे की तरफ बढ़ा दो इसको, तो ये 2 बन गया, 2 के अंदर क्या होगा हमारा, 12 नंबर हमारा ये हो जाएगा। फिर ये देखिए M और W ये किसकी शेप बनती है, 3 की शेप बनती है, और 3 में हमारी क्या क्या डिजिट्स बनेगी, 3, 13 और 23। ये देखो 13 नंबर पे M हो जाएगा और 23 पे हमारा W हो जाएगा। इस तरह से हम N की बात करें तो N, ये देखिए ये है हमारा N, N को 2 भागों में काट लो, ये 7 और ये 7, 7 × 14 नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। और Q एक मिनट, फिर है ओ कितने पे होगा हमारा, MNO 15 नंबर पे हो जाएगा, है ना। पी हम ऊपर करे आए, पी हमने ऊपर कर लिया, ये 6 के जैसे शेप है, 16 हो जाएगा। क्यू हमने ऊपर कर लिया, ये 17 पे हो जाएगा, है ना। आर हमने कर लिया, और एस जो है वो आर के बाद आता है, 19 नंबर पे हो जाएगा। टी ट्वेंटी मैच होते हैं हमारे, और यू को हम इस तरह से लिखते हैं, और यू को हम टी के बाद बोलते हैं, तो 21 पे हो जाएगा। और फिर V2 Our 2 है ना, तो 22 हो जाएगा। W का कर लिया, X Y Z ये 3 हमें पता ही है ना, 24 25 26। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मज़ा आया दोस्तों आपको, चलिए अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको UGC NET पेपर सेकेंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं, तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। और उन क्वेश्चन में हम जल्दी 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 हम देखेंगे कौन सा कितने नंबर पे है, और फिर हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा BBFEIIMLPP। अब इनकी हम काउंटिंग लिख लेते हैं जल्दी से, हम यहाँ पे लिखते हैं बी कितने नंबर पे है, 2 पे है, ये भी 2 पे है, ठीक है। एफ कितने पे है, एफ देखो एफ की शेप कितनी है, 6 के जैसी है, तो ये 6 नंबर पे हो जाएगा। और ई कितने नंबर पे आता है, ABCDE, ई 5 नंबर पे आता है ना। और ये आई, ये 9 नंबर पे हो जाएगा, ये 9 नंबर पे हो जाएगा। अब देखो एम, एम एम की शेप किसके जैसी है, इसको टेढ़ा कर दो, 3 के जैसी है ना, 3 के जैसी है, तो 3 से हमारा 13 बन जाएगा, ये कितना है, 13 नंबर पे है, ठीक है। एल कितने पे है, एल एल ये देखो एल को यहाँ बढ़ा दो, तो क्या हो गया, 2 के जैसा, 2 से हमारा 12 बन जाएगा ये, है ना। पी कितने पे है, पी ये देखो पी है, इसको उल्टा कर दो,
उल्टा करेंगे तो क्या होगा, छः के जैसा होगा, तो ये कितना हो जाए 16 नंबर, और ये भी हमारा 16 नंबर हो जाएगा। अब देखिए इनमें हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, अब देखिए क्या पैटर्न इनके अंदर बन रहा है, अब देखते हैं हम इसमें दो से बढ़ के यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 हो गया है ना, और ये कितना हो गया +3 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये देखिए 2 2 6 5 9 9। अब देखिए ये जो है B से बढ़ के F तक गए हम, ये कितना इनके अंदर डिफरेंस कितने का 4 का हो गया, ठीक है। अब देखिए B और F के बीच में कितने का है, +4 का है। उसके बाद में E और I के बीच में +4 का डिफरेंस है, ठीक है। M और P ये 13 है और ये 16 है, एक मिनट, इसके अंदर 3 का डिफरेंस है, पी पी 16, हाँ तो इसमें अच्छा ये तो हमने यहाँ का स्टार्टिंग का कर लिया। अब देखिए जो दूसरी डिजिट है बी और ई, ये देखिए ये 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, +3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया आई और एल, ये 9 नंबर पे है और ये 12 नंबर पे, इनके अंदर कितने का होगा, +3 का। यानी कि हमारे यहाँ से क्या बन गई, हमारे यहाँ से क्या डिजिट्स, जो सीक्वेंस हमारी क्या बन रही है, सीक्वेंस हमारी ये बन रही है कि जो पहली जो दो डिजिट है ना, पहली दो डिजिट है जैसे ये और ये, ये और ये, ठीक है, और ये ये और ये, इनके बीच में +4 4 का फर्क आ रहा है, और जो दूसरी डिजिट है इनके अंदर +3 3 का फर्क आ रहा है। तो यही चीज़ करेंगे हम लास्ट में, इसमें क्या करेंगे +4 जोड़ देंगे और इसमें +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा, और 20 नंबर पे क्या आता है हमारा, ई आ गया। और फिर 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 होगा, 19 नंबर पे क्या आता है हमारा, एस आता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये देखिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं बी टू ई, ठीक है, डी 5 H, फिर है F 12 A, ये लिख लेता हूँ F, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा A, फिर है H 27 और N, ये है 27, ठीक है, और ये है हमारा H, यहाँ से थोड़ा लिखा नहीं जा रहा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और ये है हमारा 12, ठीक है। तो सबसे पहले जो अल्फाबेट्स है उनकी आप काउंटिंग लिख लो, B कितने नंबर पे, 2 पे, D कितने पे, 4 पे, ठीक है, और E कितने पे, 5 पे, H कितने पे, 8 पे, F कितने पे, 6 पे, K, ABCD का 11वां अक्षर K हुआ है, ठीक है, और ये है हमारा H है ना, हाँ H है ये, H 8 पे, N कितने पे, N 14 पे, ठीक है। तो अब देखो, अब जो पहला अक्षर है ना उनके अंदर देखे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। अब देखिए B और D का देखो, ठीक है, और फिर ये देखो D और F का देखो, और फिर F और H का देखो। अब ये देखो 2 4 6 8, यानी कि 2 2 का फर्क आ रहा है इन दोनों के अंदर। तो अगला क्या होगा, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर पे हमारा क्या होता है, 10 नंबर पे क्या आएगा, J नहीं आएगा, J ये देखो ये J आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 2 है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो 2 5 12 और 27। अब इनके अंदर देखिए इनके अंदर कितने कितने का फर्क आ रहा है, अब देखो 2 2 4 जमा में 1 5, 5 2 10 और 2 12, 12 2 24 और 3 27, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है इसके अंदर, ये देखो 2 2 4 और 1 5,
पाँच दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 12 दूनी 24 और 3 27। इसी तरह से अगली हमारी सीरीज क्या होगी, 27। अब देखो दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक उसमें जोड़ रहे हैं, ये चीज है, दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, 27 दूनी कितना हो जाएगा, और 27 दूनी 54 और प्लस में 4 उसमें ऐड कर दो, हाँ 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट की रही हमारी ई, ये देखो ई और एच इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितने का है, ये देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, प्लस 3 का फर्क। अब ये देखो 8 और 11 इसके अंदर 3 का फर्क, और 8 और 14 सॉरी 11 और 14 इसके अंदर 3 का फर्क, 3 3 का फर्क आ रहा है, तो अब क्या करो एन के अंदर 3 ऐड कर दो, 14 के अंदर 3 ऐड करोगे 17, और 17 नंबर पे क्या आता है हमारा 7, 17 पे क्या आ गया हमारा 7, और 7 पे क्या था हमारा जी था और क्यू था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, तो हमारी जो डिजिट क्या हो गई J58Q हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ना बार बार प्रैक्टिस करके देखना इनकी, आप ऐसे रैंडमली देखना भाई 22 नंबर पे क्या आता है, क्या आता है 22 पे बताओ जल्दी से, V2 आवर 2 है ना, वेरी गुड शाबाश। और 20 कितने पे आता है, T 20, यस T नंबर आता है 20 पे। तो इस तरह से रैंडमली अपने माइंड में एकदम अचानक से देखना भाई 12 नंबर पे क्या आता है, 12 पे क्या आता है L आता है, ठीक है, 14 नंबर पे क्या आता है N आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में चीजें देखनी है कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको कर करके देखने हैं, और यहाँ पे हमने देखे सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में आप ये देखिए एक इसमें शायद 2023 का क्वेश्चन भी, ये देखिए ये रहा 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए इसके अंदर ये क्या है, ए को ये लिख रहा है 2, जेड को लिख रहा है 52, और कैट को लिख रहा है 48, तो ये कह रहा है, और बैट को लिख रहा है 46, तो कह रहा है रैट और मैट का मतलब क्या होगा। यहां से सिंपल सा मतलब हमें समझ में आ रहा है, देखो ए कितने नंबर पे होता है, एक नंबर पे होता है, ठीक है, जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है। अब ये देखो एक गुना में 2, 26 दूनी 52, यानी कि जो डिजिट हमारी आ रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई ये कर रहा है। अब देखो कैट जो है, कैट कितने पे, ये देखो ये 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, और टी 20 पे, ये देखिए कितना हो गया 23 हो गया, ये 23 ही बनता है क्या, है ना 23 नहीं 24, 24 बनता है, 20 23 एक 24, 24 दूनी 48, ठीक है। अब देखिए बैट, इसी तरह से बैट, बैट का हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब रेट प्लस मैट का मतलब क्या है, इसमें रेट का काउंटिंग कर लो कितना होता है, अभी देखिए रेट को जब हम ऐड करेंगे सारी चीज़ें, ये देखिए 18 21 78, मैट को ऐड करेंगे काउंट तो 68, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 166 हमारा हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, देखो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और दोस्तों अगर आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको 2012 से लेकर 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए, और ये हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे ऐप में आपको ये मिल जाएंगे, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट जरूर डाउनलोड करना, उसके अंदर आपको कंप्लीट स्टडी कोर्स मिलेगा पेपर वन का। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पेपर सेकंड के स्टडी नोट्स चाहिए और क्वेश्चन पेपर चाहिए 2012 से लेकर 2023 तक सभी शिफ्ट के, तो आप हमारी वेबसाइट nimiz.net ज़रूर विजिट करना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर करना, और जो भी आपके सवाल जवाब है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।